उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में कार और बस की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर लगने से बस और कार खाई में जा गिरी, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सड़क हादसे से बिगड़ते हालातों पर पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर काबू पाया। दरअसल मामला है थाना मझोला क्षेत्र अंतर्गत लोकोशेड पुल का, जहां पर बस और कार आमने सामने से अनियंत्रित होकर टकरा गई। टक्कर लगने से बस और कार खाई में जा गिरी। आसपास के लोगों ने कार में सवार 3 लोगों को बाहर निकाला और घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस ने बस में सवार बस और कंडक्टर को बाहर निकाला और आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इस दौरान सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा था, वहीं सड़क पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने बमुश्किल जाम खुलवा। ये एक बस जो है खाई में गिरी हुई है, एक कार भी है, पूरा पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है। क्या घटना हुई? ये लगभग रात को 11 बजे एक बस और एक कार अनियंत्रित होकर ये पुल के पास से जो बगल में जो ढलान है खाई है उसमें जाके गिरी है। इसमें 2 व्यक्ति कार में थे, 2 व्यक्ति बस में थे। बस में ड्राइवर और कंडक्टर थे। चारों ही लोग कॉशियस हैं, स्टेबल हैं और इनका अस्पताल में उपचार चल रहा है, जो प्रिलिमिनरी जो उपचार और यातायात व्यवस्था है सुचारू कर देंगे और बाकी कार्रवाई भी करेंगे। सर कुछ पता चला है कि बस कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी? ये बस कंडक्टर और ड्राइवर ही मंझोला थाना क्षेत्र के बुद्धि विहार में, वहीं पे ही अपनी रात को अपनी बस खड़ी करने जा रहे थे। और ये जो कार में थे ये लोग थाना सिविल लाइन क्षेत्र के, ये लोग भी गजरौला साइड से बर्थडे पार्टी से अटेंड करके वापस आए। सर जो घायल हैं उनकी क्या स्थिति है? सर सभी घायल इस समय कॉशियस है, स्टेबल है, किसी को भी कोई ग्रेव इंजरी नहीं है। जिसमें जो बस ड्राइवर है उसे राइट लेग में फ्रैक्चर आया, जिसका उपचार चल रहा है। सही सही, बस चालक की जो है लापरवाही मानती हैं या कार चालक की? अभी ये विवेचना का इशू है, जो भी विवेचना में आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।